अच्छा दीदी, खेत कर तैयारी तो नया तरीका से दिखा थे, कैसे कैसे तैयारी कर रहा बतावे थोड़े। दीदी श्री विधि धान का खेती करे के लिए पहले 3 बार जोताई करे के पड़ेगा। अंतिम जोताई में 1 एकड़ के लिए 200 किलो घना जी अमृत डाली ला। तो कर बादे दीदी हमें खेत कर चाहिए कोना से 1.5 फीट कर नली बना के पानी कर निकासी करी ला। अच्छा दीदी, धान कर खेती करे के लिए तो पानी कर बहुत जरूरत पड़ेगा, लेकिन खेत से तो पानी की निकलाए दवा थे। श्री विधि धान लगाए के लिए ज्यादा पानी कर जरूरत नहीं पड़ेगा, 20 फीट कर बीच में भी 1.5 फीट कर नली बनाई ला। हाँ दीदी, अगर खेत बड़का रही तो एक नली खींचे हुई का? नहीं, एक नली नहीं खींचे, हर 20 फीट में और नली बना के पड़ी। हाँ दीदी, खेत का तो अच्छा से तैयारी हो गया, चला तो बीड़ा उखड़ा जाब। हाँ दीदी चला। हाँ दीदी, बीड़ा तो बड़ी सुंदर लगा थे दिसेक में, हम इनका बीड़ा तो थोड़ा बड़के बड़के हो। हाँ दीदी, बीड़ा तो सुंदर तो दिखत है, 8 से 14 दिन में हमरे लगाई लाई बीड़ा के। हाँ दीदी, बीड़ा तो कितना छोटका लगा थे का, हाथ से उखड़ा वाला तो ही? नहीं, हाथ से नहीं उखड़ाई, लेके कुदाल से निकलाए। इकर माटी सहित ले जाना है कि जड़ नहीं टूटे चाहिए। अच्छा दीदी, धान कर रहे थी खेत में, बांस कर साचा कहे लगा है? बांस कर साचा ही लगा है कि साचा के लगाए के चिन्हा हो जाए, 10-10 इंच कर दूरी में एक ठो पौधा के रोपे के लिए। दीदी साचा कर निशानी तो बहुत बढ़िया आ जाए, इकर में कैसे रोपल जाए? हाँ, एक एक ठो गाछी चारों कोना में रोपना है। पहले तो बांस वाला साचा से रोपत रही, रस्सी कर एक चिन्हा बना के 10 इंच कर चिन्हा बना के इसनो से रोप सकीला। अच्छा दीदी, इसनो रोप सकीला? हाँ, ये दीदी रस्सी में 10 इंच कर दूरी में फुदना एगो लगा ही चिन्हा। हाँ दीदी, 10 इंच कर तो है। ये 10 इंच रोप के पूरा करके आगे और 10 इंच में रस्सी लगा के फिर आगे रोपना है। भाई बहन मन श्री विधि खेती के अपनावा और उपज अधिक पावा जो है।